पिलाने आज आम स्टार्ट करवा तुम मेन्सुरेसन फाइव सी एक्सरसाइज टा तो तुम जानते कि मेन्सुरेसन जो कराए मुझे डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन भितर को जाए आउ क्वेश्चन करू करू का मुझे सब जहाँ जहाँ कनसेप्ट अच्छी गोटे गोटे तुमको कहे सूत्र सहित किंतु ये चैप्टरटा टिके डिफरेंट ये चैप्टर कौन ना तुमको आग किसी बेसिक जिनस जाना पड़ो आ सब सूत्र गुड़ाक आम कमी बाहर करे से भी टी बुझे पड़ो तो आज क्लास आम केवल ये चैप्टर जहाँ सब बेसिक कनसेप्ट अच्छे से गुड़ा पढ़े और नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवा तो चैप्टर ना एक्चुअली हूँ घन पदार्थ बा घन पदार्थ मान कौन यहाँ हूँ आम एम कहीपर गोटे थ्री डायमेंशनल सॉलिड गोटे थ्री डी सॉलिड फाइव ए और फाइव बी चैप्टर आम कौन पढ़ीचे वृत्त विषय में पढ़ीचे वृत्त कला वृत्तर चाप वृत्त खंड से सब पढ़ीचे तो सेगुड़ाक सब थिला टू डी जिनस माने सेटा को आम गोटे पेन पेपर उपरे माने गोटे पेन द्वारा गोटे पेपर उपरे अंकन कर पारिबा किंतु घन पदार्थ माने कौन फॉर एग्जांपल तुम्हें तुम घरे जो जो सब जिनस देखु जोड़ा सब थुआ है से गुड़ा सब हूँ घन पदार्थ माने से सब थ्री डायमेंशनल जिनस तो एबे धर तुम देखु तुम हाथ में एबे गोटे मोबाइल फोन अच्छी से मोबाइल फोनटा हूँ गोटे थ्री डायमेंशनल जिनस मुझे जदि कहि कि मोबाइल फोनटा को तुम पेपर उपर अंकन कर तुम अंकन से हाँ तार गोटे टू डी चित्र अंकन करमती आम आगुरी जो फाइव पी एफ चैप्टरटा पढ़ीचे तो मुझे कही गोलक हूँ गोटे थ्री डी जिनस से आम पेपर उपर अंकन करें ये टाइप रखे था देख जब पेपर उपर मुझे यहाँ अंकन कली तो यहाँ थोड़ी गोलक है यहाँ हूँ गोटे वृत्त किंतु गोलकटा को भी आम पेपर उपर तुमको ये थ्री डी प्रेजेंटेशन करके शो करें तो से पेपर उपर मुझे शो करें तो एबे ये चैप्टर में आम जहाँ भी पढ़ा जो जो चित्र सब करा से तुम मन रख कि आकचुआल से जिनसा हूँ सब थ्री डी जिनस कितु आम से पेपर उपर तार जस्ट गोटे चित्र प्रेजेंट करके तो घन पदार्थ में तुम फास्ट जिनस आस सिलिंडर तो सिलिंडर कहले तुम मन में ये टाइप रिच चित्र आसुव जो तुम छोटे बड़े पढ़ी कि कौटे सब सिलिंडर हम आम रूल बाड़ी आउ कौन आज एग्जांपल मोर सडनली मन पड़ने किंतु यू तुम सिलिंडर भाव थो ना भाव सिलिंडर सेपटा ये हाँ यही आम सिलिंडर कहवा किंतु एक्जाक्टली यहाँ ही सिलिंडर सेमती नुह माने एटा हम कहि परबा कि एटा गोटे टाइप रो सिलिंडर किंतु एटा ही सिलिंडर रो डेफिनेशन हो सिलिंडर कहिला हम एक्चुअली कौन बुझिबा सेटा भी तुमको देखो छी तो सिलिंडर रो मेन दीटा जिनस थाए गोटे थाए तार भूमि आ गोटे थाए तार उच्चता तो भूमि माने से भूमिटा कौनसी भी सेप रही पार एटा मन रखा तो सिलिंडर तुम एजाए सिलिंडर का बुझुला जार भूमिटा कि सर्कुलर सेप रही था वृत्ताकार रही था तुम भावुल कि केवल सेटा ही सिलिंडर हो बोली ना पे मैंने सेमती नुह तुम्हें चाहिए एमती गोटे तेढ़ा मेढ़ा मानने किसी भी सेप्र गोटे नहीं पार भूमिटा को ए भूमि नाला कौन कर ना यो भूमिटा रहा यापर के बिंदु अच्छी या असंख्य बिंदु आस तो तुम्हें फास्ट कौन कर ना गोटे बिंदु रु गोटे रेखाखंड एमती अंकन कर किसी गोटे पर्टिकुलर लेंथर तापर सेम लेंथर एटा धर तुम्हें पांच सेंटीमीटर लेंथर गोटे रेखाखंड अंकन कल तो सेम पांच सेंटीमीटर लेंथर रेखाखंड ये भी बिंदु अच्छे असंख्यटा बिंदु जो अच्छे असंख्यटा पांच सेंटीमीटर रेखाखंड अंकन कर या समांतर करी तो से सब रेखाखंड को जब आम मिसेवा तेल कौन हम देख ये पांच सेंटीमीटर रहा एटी भी सेमती आ गए पांच सेंटीमीटर रेखाखंड आस साइड रूम एमती गोटे पांच सेंटीमीटर रेखाखंड आस ठीक अच्छे एठू सेमती पांच सेंटीमीटर रेखाखंड आस तो ये सब कुछ जो कनेक्ट करदे कौन हम ना यो भूमि सेपटा जो जो भाया होता से ही सेप्र भूमि सेप जमी था एक्जाक्टली से ही सेप्र गोटे थ्री डी जिनस आमको मिल कहीं सेम पांच सेंटीमीटर रेखाखंड आम चारे नौचे तो सेम यही भूमि सेप जहाँ था सेम सेप्र गोटे थ्री डी जिनस आमको मिलला यही आम कह सिलिंडर आ यार भूमि मन रख कौन भी सेप्र हो पाए तो ये तेल जाणीगल भूमि मैंने कौन ना जोटा को आम स्टार्ट बेस बोली नहीं कि से थ्री डी जिनस बनाऊे से भूमि कहवा उच्चता कौटा ना यो फाइव सी एम बाला रेखाखंड आम ने तो यही आम कह उच्चता
ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିବି ଏଇ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହେବ। ଭୂମି କ'ଣ, ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ। ଭୂମି କହିଲା ମାନେ ଯେମିତି ତମେ ବୁଝିଯିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା କହିଲା ମାନେ ବୁଝିବ ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ କିଛି ଟର୍ମ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ତମ ବୁକ୍ରେ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଏଠି ତମର ଥିଲା, ହଁ, ଜେନେରେଟର। ଏବେ ଜେନେରେଟର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାଟା ନେଲେ, ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କହୁଛେ, ତାକୁ ସମାନ୍ତର କରିକି ତମେ ଯେତେ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କହିବା ଜେନେରେଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ। ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ଆମେ ନେଲେ, ଏଇ ଭୂମିର ତମେ ଯଦି କେବଳ ଏଇ ପରିସୀମାଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିବ, ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଭୂମି ଯେଉଁ ନେଲେ ସେଇଟା ତ ମାନେ ପୁରା ତାର ଭିତର କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ବି କନସିଡ଼ର କରାହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ଏଇ ରେଖାଟାକୁ ତମେ କନସିଡ଼ର କରୁଛ ତାର ପରିସୀମାଟାକୁ, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ। ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ, ଓକେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ୱାର୍ଡ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ତାପରେ ତମେ କହିବ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସିଲିଣ୍ଡର ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଦେଖ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର ନା, କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର, କେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସିଲିଣ୍ଡର କହିବା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ଆମେ ନେଉଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ଆମେ ନେଉଛେ ସେଇଟା ଯଦି ବୃତ୍ତାକାର ହେଲା, ସେଇଟା ଯଦି ବୃତ୍ତାକାର ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା, ସେଟାକୁ କହିବା ବୃତ୍ତାକାର ସିଲିଣ୍ଡର ନା, କେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡରଟା କହୁଥିଲି, ହଁ, ବୃତ୍ତ ଭୂମିକ ସିଲିଣ୍ଡର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସର୍କୁଲାର ସିଲିଣ୍ଡର। ତ ସେଇଟା ମାନେ ଏ ଯାଏଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସବୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛ, ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛ କି ଗୋଟେ ସବୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିଲିଣ୍ଡର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ଭୂମିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବା ସର୍କୁଲାର ସିଲିଣ୍ଡର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି, ବୃତ୍ତ ଭୂମିକ ବା ସର୍କୁଲାର ବୃତ୍ତ ଭୂମିକ ସିଲିଣ୍ଡର, ଓକେ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି କି ତମର ଭୂମିଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁଭୁଜ ହୁଏ, ବହୁଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନହେଲେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ପ୍ରିଜିମ୍ କହିବା। ତ ତମେ ବୋଧେ ଏ ଯାଏଁ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲ କି ପ୍ରିଜିମ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ ହେଇଥିବ, ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ରୁ ଆଉ ତିନିଟା ବାହୁ ଏମିତି ଆସିଥିବ, ତ କେବଳ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଜିମ୍ କହିବା, ତମେ ମେ ବି ଏମିତି ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ, ଟିକେ ରହୁ, ଚିତ୍ରଟା ବହୁତ ହି ବେକାର କରିଦେଲି ଏମିତି କହିବା ନେବି। ତ ମେ ବି ତମେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲ କି କେବଳ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଜିମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସେପ୍ ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତାର ଭୂମିଟା କ'ଣ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ସେପ୍ର ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ କହିବା, ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଜାଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ସେପ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିପାରିବ, ପଞ୍ଚଭୁଜ କରିପାରିବ, ଷଡ଼ଭୁଜ କରିପାରିବ, କିଛି ବି କୌଣସି ବି ବହୁଭୁଜ ତମେ କରିପାରିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଜିମ୍ କହିବା। ଆଉ ଏଠି ବି ସେମିତି ଭୂମି କେଉଁଟା ହେବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁଭୁଜଟା ତମେ ବନଉଛ ସେଇଟା ଭୂମି ହେବ, ତ ଯଦି ଭୂମିକୁ ତ୍ରିଭୁଜ କଲ ସେଟାକୁ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ କହିବ, ଭୂମିଟାକୁ ଯଦି ଷଡ଼ଭୁଜ କଲ ତ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ କହିବ। ଆଉ ୟାର ଉଚ୍ଚତାଟା ଆମର ଯେମିତି ସିଲିଣ୍ଡରର ଉଚ୍ଚତା ଯେମିତି ଥିଲା, ୟାର ଉଚ୍ଚତା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିବ। ତ ଏବେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆୟତ ଘନ, ଆୟତ ଘନ ଏଇଟା ବି ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଛୋଟବେଳୁ, ଆମର ବାକ୍ସଟା ହେଉଛି ଆୟତ ଘନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତ ଆୟତ ଘନ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଜିମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତାର ଭୂମିଟା କ'ଣ, ଆୟତ ଘନର ଭୂମିଟା କ'ଣ ଥାଏ, ଆୟତ ଘନର ଭୂମି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆୟତ ଘନଟାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିମ୍ର ପ୍ରିଜିମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତମେ ଏଇଟା ଟିକେ ହଜମ କରିପାରୁନଥିବ କି ଆୟତ ଘନ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ପ୍ରିଜିମ୍ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ିଛୁ ସେମ୍ କେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ସେମ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରିଜିମ୍ର ତମକୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା କହିବି ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ତମେ ଆୟତ ଘନ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ସେମ୍ ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟତ ଘନଟା ବି ପ୍ରିଜିମ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ସବସେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତମକୁ ନାଁଟା ବୋଧେ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଶୁଣିବ, ଟିକେ ରୁହ ନାଁଟା ଦେଖାଉଛି, ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସମାନ୍ତର ଘନ। ଏବେ ଦେଖ ଆୟତ ଘନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାର ଭୂମିଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆୟତ ଘନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ନେଇକି ସେମ୍ ପ୍ରିଜିମ୍ଟା ବନେଇବା,
सामुद्रिक क्षेत्र माने कौन आयत घन केस रे भूमिटा आयत आयत चित्र थाए माने चारटा को भाव समान सब 90 डिग्री हेतिबो किंतु आमे गोटे सामान्तरिक चित्र नवा माने जहार कि चारटा को बाहु माने सामना सामने बाहु समान थिबो किंतु सब 90 डिग्री नथिबे त सेई केस रे सेटा को कोन कहा जिवो सेटा को कहा जिवो गोटे समांतर घन ठीक अच्छे तो यहाँ को मुझे थ्री डी बनैले ठीक से तुम जापर नहीं तुमको ये टी इमाजिन करा पड़ो कि मानते सेम जिन आयत घन सहित सेम जिन कि भूमिटा आयत चित्र न रही कौन रामांतरिक चित्र ओके तो ये जा फर्मूला को कि फर्मूला कौन हम आम मेनली आम दुटा जिनस तुम क्वेश्चन जहाँ भी अच्छे सब दुटा जिनस अच्छे गोटे सिलिंडर तो सिलिंडर कहले मेनली क्वेश्चन तुम सर्कुलर सिलिंडर उपरू हिं आस कहीं जदि गोटे टेढ़ा मेढ़ा चित्र है तो तार क्षेत्रफल बाहर कर तुम जान ना हाँ जदि तार क्षेत्रफल देटा काढ़ीपर कि नर्माली क्वेश्चन तुम एक्जाम सर्कुलर सिलिंडर उपरे आसे मुझे जो तुम फर्मूला कहि से सर्कुलर सिलिंडर होता कि जो जेको सेप्र भी सिलिंडर होता तुम्हें सेम फर्मूला पकईकि आंसर काढ़ीपर तो आउ कौन ना ट्रायंगुलर प्रिज्म त्रिभुजाकृति प्रिज्म तो ये भी सेमती मुझे फर्मूला तुमको शिखेबी नर्माली क्वेश्चन आसो त्रिभुजाकृति प्रिज्म कि तुम कौन सी प्रिज्म पढ़ले भी तार आंसरटा कर ओके तो ताहले एठी आम जो फर्मूला बाहर करवा फर्म दीटा जिनस फर्मूला तुमको मेनली पचार हुए कौन ना गोटे हूँ पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल एरिया आउ गोटे हूँ समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल ठीक अच्छे तो फास्ट आम कौन करवा ना नवा आम सर्कुलर सर्कुलर सिलिंडर आते देखिया पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल कौन समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल कौन तो यही सिलिंडर रे भूमि कौटा हम ये सिलिंडर रे धर एटा को नौ तो ये यहाँ भूमि ओके उच्चता कौटा यहाँ जो रहा यहाँ है उच्चता हेच बोलिए ओके यहाँ जेहेतु सर्कुलर सिलिंडर अच्छी तो से यार आम गोटे रेडियस भी कनसीडर कर व्यासार्ध तो पार्श्व पृष्ठतल जोटा को कि आम सिलिंडर वक्र पृष्ठतल भी कहींपर मानने सैड्रे जोटा को जो पृष्ठतल दे कि तुम से सिलिंडर टाक गड़े पार से कहते पार्श्व पृष्ठतल वक्र पृष्ठतल जहाँ कहले भी सेम जिन वक्र पृष्ठतल ओके तो ये मुझे फर्मूलाटा कह तुम केवल सर्कुलर पर नुह जेको सिलिंडर हेल्ले भी कम आस कौन पृष्ठतल एरिया तो फर्मूलाटा है भूमि परिसीमा गुणन उच्चता है फर्मूला मन रख सब केस कम आसो आ देख मुझे कहना प्रिज्म भी गोटे टाइप सिलिंडर तो सेम फर्मूला जो तुम प्रिज्म केस अप्लाई कर सेटा भी कम आस प्रिज्म खाली नुह जदि सेम फर्मूला नहीं कि तुम आयत घन कम यूज कर सेटा भी कम आस कहीं सब गोटे गोटे टाइप सिलिंडर तो ये फर्मूला मन रख भूमि परिसीमा इंटू उच्चता तो जदि सर्कुलर अच्छे आम कौन कर भूमि परिसीमाटा के सर्कुलर केस रे सर्कुलर केस रे भूमि परिसीमा के टू पाईआर उच्चता को हेच नहीं थी तो टू पाईआर इंटू हेच एटा हम आम कौन ना पार्श्व पृष्ठतल वक्र पृष्ठतल क्षेत्रफल एवं समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल के देख पार्श्व पृष्ठतल मैंने कौन कहल जोटा कि सैड रार्श्वे रग्र पृष्ठतल मैंने कौन ना आम पार्श्व पृष्ठतल आउ कौन दुटा मिसेवा ना केवल सैड दुटा जो भूमि रहा से भूमि दुटा मिसेदे ला तो ताल कौन हम यार एरिया कौन हम ना पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल प्लस भूमि केटा अच्छे दीटा अच्छी ना तो टू इंटू भूमि क्षेत्रफल तो ताले इटा सर्कुलर सिलिंडर हेले कौन हम यदि सर्कुलर हुए तो पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल आसला के टू पाई आर इंटू हेच ए बाहर करते ना
एटी बाहर कर टू पाई आर इंटू एच तो यही थे मिसेवा के दुई गुणन भूमि एरिया। अच्छा भूमि एरिया के भूमिटा कौन सेप रही सर्कल सेप रही रेडियस आर मैंने पाई आर स्क्वायर है तो टू इंटू पाई आर स्क्वायर तो यू आम यही टाइप रि लिखिपर टू पाई आर गोटे कमन नहीं जा एच प्लस आर ठीक अच्छे तो तुमको एत फर्मूला मन रखा दरकार ना तुम्हें केवल मन रख कौन ना भूमिर परिसीमा इंटू उच्चता कले तुमको मिल साइड पृष्ठतल पार्श्वपृष्ठतल आई पार्श्वपृष्ठतल जदि दुई गुणन भूमि एरिया मिसेदल से समग्र पृष्ठतल ठीक अच्छे। अच्छा तो एवं देखा सेम फर्मूला आम आप्लाय करवा कौटी त्रिभुजाकृति प्रिज्म केस रे तो त्रिभुजाकृति प्रिज्म ओके तो धरने मैं ना दे दूची ए बी सी एटा हला डी ई एफ हला या उच्चता कोटा एटा हला तो उच्चता तो देखो मु गोटे चित्र रे कोन करूची ना उच्चताटा को वर्टिकल देखौची सीधा कर गेम आउ गोटे चित्र रे उच्चताटा को हॉरिजॉन्टल कर देखौची तो तुम्हें कन्फ्यूज हेबनी उच्चता कहले माने कंसीडर करिबो भूमि कोठी अछि भूमि को जोटा परपेंडिकुलर थिबो जोटा लंब होइकि थिबो सेटा हबो उच्चता। अच्छा तो ताहले एठी आमर जदि आम पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करवा तो कौन हम सेम फर्मूला में पकई परिबा भूमिर परिसीमा गुणन उच्चता तो एठी भूमिर परिसीमा काढ़ गले तुम्हें ये आउ गोटे टाइप रि काढ़ पार कि धर ये गोटे त्रिभुजाकृति प्रिज्म अच्छे तो यहाँ को टिके थ्री डी कनसीडर कर या सैड्रे आम तीन टा पार्श्व रोक कौ तीन टा पार्श्व यहाँ गोटे पार्श्व देखुच यहाँ गोटे पार्श्व आउ पक्षपट गोटे पार्श्व रोक जोटा कि चित्र देखा जा तो तुम्हें से ही तीन जनकर क्षेत्रफल बाहर कर भी कि मिसे पार आदि तुम यही फर्मूला पकाच भूमिर परिसीमा इंटू हेच बाहर कर दुटा आ फर्मूलें तुम आंसर सेम आसमी आस देख धन्य मुयार ना दे दौर ये बाहूटा है आमर ए बाहूटा है ये गोटे होगा सी स्मल ए स्मल बी स्मल सी नौ तो ये टाइप ये गोटे कन्भेक्शन अच्छे मैंने धर गोटे बिंदु तुम ए नहींच कैपिटाल सामना भावटा को आम स्मल ए बोल भी नहीं पारा तो जदि आम यही फर्मूला पकेबा तो आंसर कौन आस कहल परिसीमा के हम ए प्लस बी प्लस सी इंटु एच किमती करवा आम यही तीन टाक पार्श्वर क्षेत्रफल बाहर करके मिसेवा तो यार क्षेत्रफल के देख ये है गोटे आयत चित्र यहाँ सीना तुमको एमती सामुद्रिक चित्र भाई देखा मैं थ्री डी कर सामुद्रिक चित्र देखा एक्चुअली यहाँ आयत चित्र तो यार क्षेत्रफल हम बी इंटु एच बी इंटु एच ठीक सेमती ये जो रहा यहाँ हम ए इंटु एच आ पक्षपट को जो रहा सही हम सी इंटु एच तो देख सही सेम आस ए प्लस बी प्लस सी इंटु एच। अच्छा एटा है कौन तार पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल तो यार किसी डायरेक्ट फर्मूला ना तुमको क्वेश्चन में देखिक चिंता करा पड़ो फर्मूला है यहाँ तो यहाँ को मुंडे रखी था क्वेश्चन देख कौ फर्मूला पकड़े आम आंसर पकड़े ठीक से पहुँच पार यार जब समग्र पृष्ठतल काढ़िया तो कौन काढ़िया समग्र पृष्ठतल एरिया तेल कौन करवा ना सेम पार्श्व पृष्ठतल जोटा रहा से मिसेवा ना टू इंटु त्रिभुजर क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठतल एरिया प्लस टू इंटु त्रिभुजर एरिया एवं यहाँ जदि त्रिभुजाकृति प्रिज्म न था कि षड़भुजाकार प्रिज्म था पंचभुजाकार प्रिज्म था कि नॉर्मली आम चतुर्भुजाकार था आयत घन था कि जो पैरेलल बिपेड कहली मानने जोटा हूँ आम सामंत कौन सा ओडिया नाटा भूल गल टी कर ठीक अच्छे तुम पैरेलल बिपेड ही मन रख दि कहीं आगे जाइ तो एबूर किसी क्वेश्चन ना इंग्लीश वार्डटा ही आगे कम आस तो से सब टाइप प्रिज्म रे तुम यही फर्मूलाटा ही यूज कर। अच्छा तो एबे तुमको फर्मूला जीत कहली से खाली टिके रिभाइज करदे आउ बेसिक कनसेप्ट तुम ये अच्छे तो नेक्स्ट क्लास रे आम स्टार्ट करवा आमर एक्सरसाइज क्वेश्चन रूप।